अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार से चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज के जो कबाब हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जूसी बनने वाले हैं। बकरा ईद की जान है ये चपली कबाब। जब तक ये चपली कबाब नहीं खा लिए जाएं, बकरा ईद नामुकम्मल सी लगती है। तो ये हर घर में बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके चपली कबाब जो हैं वो बनाते हैं तो उनके बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके चपली कबाब बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। मैं आपको इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगी जिसकी वजह से आपके चपली कबाब बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही ज़बरदस्त से जूसी से चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है और 0.5 किलो मैंने इसके अंदर चर्बी यूज़ की है। चर्बी के बिना ये कबाब नहीं बनेंगे, चर्बी इसके अंदर लाजमी जाएगी। तो ये तकरीबन 2 किलो के करीब है और इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन के अंदर पिसवा लिया है। कीमे को हमने बारीक ही पिसवाना है। देखिए इस तरीके का होना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो टिप है वो है कीमे का हमने सारा पानी निकाल देना है। इतना सा भी इसके अंदर कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर इतना सा भी इसके अंदर कीमे के अंदर पानी होगा तो आपके चपली कबाब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो कीमे का हमने बहुत ही अच्छे से पानी निकाल लिया है। और 3 बड़ी साइज़ की हमने यहाँ पे प्याज लेनी है। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद हमने प्याज का भी सारा पानी निकाल देना है, निचोड़ देना है। ठीक है, प्याज के अंदर भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। 1 मुट्ठी के बराबर इसके अंदर हरा धनिया जाएगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा मैंने हरा धनिया लिया है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 4 हमने यहाँ पे बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हमने इसे मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो देखिए ये 2 इंग्रेडिएंट जो है ना इसके अंदर चपली कबाब के अंदर लाजमी जाएंगे, क्योंकि गोश्त जो होता है ना वो बादी होता है। तो इस वजह से जो है ये 2 इंग्रेडिएंट इसके अंदर लाजमी जाएंगे। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने अनारदाना लिया है। अनारदाने को भी मैंने बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। देखिए अगर हम मोटा मोटा इसे रहने देंगे तो मुँह में आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको भी हमने बारीक सा कर लिया है ग्राइंड। और यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून अजवाइन है। याद रहे ये दोनों इंग्रेडिएंट इसके अंदर लाजमी जाएंगे। यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून लहसुन पाउडर ले रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून अदरक पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। 1/1 टेबल स्पून आप इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगी। मसालों में इसमें जो जाएगा 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून अजीनोमोटो, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। 2 अंडे इसके अंदर जाएंगे। अंडे डालना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कीमे का पानी भी हमने बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया है और प्याज का पानी भी हमने बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया है। अगर इन चीज़ों में ज़रा सा भी पानी होगा तो चपली कबाब जो हैं बिखर सकते हैं। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों में बिल्कुल भी पानी ना हो। 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और प्याज के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे, अनारदाना, अदरक लहसुन का पाउडर, अजवाइन वगैरह हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। और ये सारे मसाले भी हम साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए बारीक कटे हुए यहाँ पे टमाटर हैं, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप टमाटर के अंदर के बीज जो होते हैं उनको निकाल के आप इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे टमाटर को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैंने भी यहाँ पे टमाटर के जो बीज होते हैं उनको मैंने यहाँ पे निकाल दिया था और उसके बाद मैंने अच्छे से बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 अंडे। पूरे 2 अंडे हमने इसके अंदर डाल देने हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 किलो की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम कर लीजिए। अब देखिए मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका मकई का आटा। इसमें 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे मकई का आटा। देखिए यहाँ पे मैं 5 टेबल स्पून इसके अंदर मकई का आटा डाल रही हूँ। बेसन वगैरह इसके अंदर नहीं डालते, मकई का आटा ही इसके अंदर जाता है। जो रियल कबाब होते हैं चपली कबाब, उसके अंदर मकई का आटा ही यूज़ होता है। मकई के आटे से जो है काफ़ी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग होती है और ये बिखरते नहीं हैं और टूटते नहीं हैं।
अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हमने इसकी करनी है ताकि जो है ये एक जान हो जाए। जितनी ज़बरदस्त इसकी मिक्सिंग होगी उतने ही ज़बरदस्त इसके चपली कबाब बनेंगे। तो आपने मिक्सिंग पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बहुत ही ज़बरदस्ती मिक्सिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमने मुक्कियाँ लगा के इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर तरफ मसाले वगैरह पहुँच सकें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। देखिए जितना इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो चुकी है। देखिए अभी ही ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो पा रहा है। इस तरीके से हमने हथेली की मदद से इसको इस तरीके से करना है। देखिए देखिए इसी तरीके से हमने हथेली की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे चपली कबाब बनेंगे, याद रहे ठीक है। बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हमने एक बॉल लेना है, बॉल के अंदर हमने इसको रख देना है और 2 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट दे देना है। फ्रिज के अंदर हमने इसको रखना है 2 घंटे के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं और हमने इसे फ्रिज के अंदर से निकाल लिया है और अब हम इसके बनाएंगे चपली कबाब। और यहाँ पे मैंने लिया है ठंडा पानी, गर्म पानी हमने यहाँ पे नहीं लेना है, ठंडा पानी ही हमने लेना है। और हथेली के ऊपर हमने ठंडा पानी लगाना है पहले इस तरीके से, देखिए हल्का सा। अब हमने काफ़ी सारा चपली कबाब का मिक्सचर लेना है और काफ़ी सारा हमने लेना है क्योंकि चपली कबाब जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बनते हैं। अगर हम इसको छोटे बनाएंगे तो ये सिकुड़ के जो है सिकते वक्त जो है ये थोड़े सिकुड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। अगर हम इसको छोटा बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे तो वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। तवे में जो है हमने ऑयल डाल दिया था, ऑयल डालने के लिए हमने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था और ये गर्म भी हो चुका है देखिए। और 1 बाय 1 करके हम बनाते जाएंगे चपली कबाब और 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे। एक साथ हमने बहुत सारे बना के नहीं रखने हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप एक स्लाइस इसके ऊपर टमाटर का भी लगा सकते हैं। देखिए इसी तरीके से हम सारे जो है फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे, 1 बाय 1 करके बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। कीमा जो है कच्चा होता है तो इस वजह से हमने इसे लो फ्लेम पे सेकना है ताकि अंदर तक का ये अच्छे से सिक जाए। एक तरफ से जब अच्छे से सिक जाए तो हम इसको कर देंगे टर्न और फिर उसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसे बहुत ही अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कॉमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे कितने ज़बरदस्त से हमारे चपली कबाब बन के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं और ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।